हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ बेसल फंक्शन के जो रिकरेंस रिलेशन है। मैं ऑलरेडी दो यहाँ पे बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट मैं आपको जो इसका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर तीन से चार रिकरेंस रिलेशन और भी हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आने वाला हूँ। और स्टूडेंट उसके बाद मैं आपके सामने लेके आऊँगा बेसल फंक्शन की जो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है एंड उस पर बेस्ड जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी हम आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके बाद लीजेंड रे की रिकरेंस रिलेशन, उसकी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी और यहाँ पे रोड्रिगेस फार्मूला है वो भी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ यहाँ पे, और मेरे जो पुराने सभी वीडियोज हैं यहाँ यूट्यूब पे आ रहे हैं आप जाके देख सकते हैं। और स्टूडेंट मेरे जो भी प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज हैं वो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, मेरे सभी टॉपिक पे यहाँ पे पुराने वीडियोज अपलोडेड है। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो रिकरेंस रिलेशन है एक और, वो किस तरह से इसको प्रूव करते हैं, आपको प्रूव करना ही इसके बराबर है ना। सो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्रूफ में हम यहां पे लेंगे जेन एक्स। सो जेन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटिव माइनस वन पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस वन, है ना। ये आएगा यहां पे एक्स बाय टू एन प्लस टू आर। अब आपको ये सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा देखिए आप लोग, यह आएगा r इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस वन। और स्टूडेंट x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ये जो 2 पावर n प्लस 2 आ रही है तो एज इट इज रहेगा, और ये इस x का होगा तो ये जो n प्लस 2 आर का आएगा आगे आएगा x पावर n प्लस 2 आर माइनस 1 होगा। देन हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे x चाहिए तो दोनों तरफ क्या करेंगे स्टूडेंट, x का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो x का आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, r इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन पावर आर, है ना। यहाँ पे आएगा ये एन प्लस टू आर अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा ये आर फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस वन, और एक्स यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो जैसे मल्टीप्लाई होता है प्लस वन हो जाएगा, तो ये पावर वापस क्या हो जाएगी एक्स पावर एन प्लस टू आर हो जाएगी अपॉन टू पावर एन प्लस टू आर हो जाएगी। स्टूडेंट यहाँ पे आपको प्रूफ में प्लस एन चाहिए, एक और रिकरेंस रिलेशन इसके बाद वाला आएगा उसमें माइनस एन चाहिएगा, अभी प्लस एन चाहिए तो इस एन को अलग लिखेंगे और इस टू आर को अलग लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन पावर आर, है ना, एन अपॉन क्या आएगा यहाँ पे आर फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस वन एक्स बाई टू एन प्लस टू आर प्लस समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटिव माइनस वन पावर आर, है ना, यहाँ पे ये टू आर आएगा अपॉन आर फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस वन, ये आएगा एक्स बाई टू पावर एन प्लस टू आर। मैंने क्या करा, एन को साथ अलग लिख दिया और टू आर के साथ इसको अलग लिख दिया, राइट। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ये भारी पड़ता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। इज इक्वल टू स्टूडेंट इसके साथ लिखेंगे तो ये एन तो मैं बाहर निकाल देता हूँ, ये आएगा समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, और स्टूडेंट ये पूरा का पूरा जो फार्मूला बन रहा है एन बाहर आएगा तो ये पूरा का पूरा फार्मूला जे एन एक्स का बन रहा है। देखिए जे एन एक्स का फार्मूला ये होता है, डिक्टो यहाँ आ रहा है तो मैं सीधा लिख देता हूँ, इसको एन बाहर निकालेगा तो ये आएगा एन जे एन एक्स प्लस, यहाँ पे देखिए क्या होगा, समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटिव स्टूडेंट यहाँ पे माइनस वन पावर आर तो आ ही रहा और ये आर है और ये आर फैक्टोरियल है तो ये आर से आर कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा आर माइनस वन फैक्टोरियल, देन यहाँ पे आपके पास आएगा गामा एन प्लस आर प्लस वन, और आपके पास ये वैल्यू कितनी आ रही स्टूडेंट एक्स बाई टू एन प्लस टू आर आएगा, राइट। नाउ हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एन जेन एक्स प्लस, अब आपको देखो यहाँ पे जो प्रूफ है उसमें एन प्लस वन चाहिए, तो जहाँ पर भी एन है वहाँ एन प्लस वन चाहिए प्लस एक्स बाहर की तरफ चाहिए, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटिव माइनस वन पावर आर आर माइनस वन फैक्टोरियल, है ना, मुझे यहाँ पे आर की जगह आर माइनस वन और एन की जगह एन प्लस वन लेंगे तो यहाँ पे एन वन ऐड किया और यहाँ पे वन सबट्रैक्ट किया तो इसको मैं बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूँ, और मेरे को एक्स चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ एक्स पावर वन लिखता हूँ और एक्स पावर माइनस वन भी लिख देता हूँ, तो ये आएगा आपके पास x बाय टू, x को अलग अलग लिख दो, चलो x पावर कितना आएगा यहाँ पे, या आप चाहो तो अलग अलग लिख दो, सबसे पहले आएगा n प्लस टू आर और ये आएगा 2 पावर n प्लस टू आर। स्टूडेंट गलती हुई है, यहाँ पे ये जो 2 है ये 2 यहाँ पे भी रहेगा, है ना, तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड होगा तो ये माइनस वन हो जाएगा, और ये x है इस x को बाहर निकालेंगे तो ये आएगा x जेन x इज इक्वल टू ये x बार आएगा तो समेशन r इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटिव माइनस, अब आपको यहाँ पे आर की जगह आर माइनस वन चाहिए तो एक माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा माइनस आर माइनस वन डिवाइडेड बाय स्टूडेंट ये एक्स अंदर जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये होगा आर माइनस वन फैक्टोरियल गामा एन प्लस वन प्लस,
r माइनस वन प्लस वन और ये आएगा आपके पास x बाई टू एन प्लस टू आर, यहाँ पे इसको लिखेंगे n, थोड़ा सा मैं इसको सही नहीं लिख पा रहा हूँ, सो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये x आपके पास ये है सॉरी प्लस है ना, इस x को बाहर निकालिए, r इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटिव और यहाँ पे आएगा ये माइनस वन पावर r अपॉन r माइनस वन फैक्टोरियल गामा n प्लस वन प्लस r माइनस वन प्लस वन और ये x माइनस वन यहाँ चला जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए आप x बाई टू है ना, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो n की जगह n प्लस वन चाहिए और यहाँ 2 कॉमन लिखा लेंगे तो r माइनस वन, अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो n प्लस टू आर माइनस वन ही बनेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी x जेन x प्लस x, ये बनेगा आपके पास j n प्लस वन एक्स और स्टूडेंट ये r की जगह r माइनस वन चाहिए तो एक माइनस वन को आपको बाहर निकालना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, प्रूव करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से इसका रिकरेंस रिलेशन यहाँ पे क्या होता है, प्रूव होता है। इसका एक और पार्ट है वो मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ, फिर इसके बाद दो पार्ट और लेंगे हम। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक्स जेन डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स जेन एक्स प्लस एक्स जे एन माइनस वन एक्स। तो स्टूडेंट इससे पहले वाला जो रिकरेंस रिलेशन था वहां पे यहाँ प्लस एन आ रहा था और यहाँ माइनस आ रहा था और यहाँ पे एन प्लस वन आ रहा था, अभी थोड़ा सा चेंज है तो आपको ये प्रूव कैसे करना, तो लगभग मेथड 50% तो सेम ही है। उसके बाद फिर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो जे एन एक्स ये लिखा है यहाँ पे, देन हमने इसका क्या करा, डिफरेंशिएशन किया, बिल्कुल इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही किया था। देन दोनों तरफ हम क्या करेंगे, एक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ तक हम बिल्कुल डिक्टो सेम चलेंगे, कहीं आपको चेंज होने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ प्रूफ में माइनस एन चाहिए तो स्टूडेंट क्या करेंगे, बस थोड़ा सा मैं आपको चेंज बताता हूँ। यहाँ पे जो एन प्लस टू आ रहा, यहाँ पे क्या करेंगे आप माइनस एन प्लस टू एन प्लस टू आर कर देंगे। भैया मैंने एन को ऐड किया और एन को क्या करा यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि आपको माइनस एन चाहिए, राइट। तो क्या करेंगे देखिए आप लोग, एक्स जेन डैश एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, ये माइनस एन वाला इसको एक साथ लिख दीजिए यहाँ पे है ना, और ये माइनस एन तो वैसे बाहर निकाल सकता हूँ मैं, तो ये आएगा आर फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस वन। देन यहाँ पे आपको जो प्रूफ में x चाहिए था तो ये x यहाँ मल्टीप्लाई हो ही गया वैसे भी, तो ये आएगा x बाई टू एन प्लस टू आर प्लस, अब ध्यान दीजिए इधर क्या होगा, समेशन r इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटिव, ये टर्म एक साथ रहेगी तो ये आएगा माइनस वन पावर r टू n, तो मैं 2 कॉमन निकाल देता हूँ तो ये आएगा n प्लस r अपॉन है ना, ये आएगा r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस वन और ये आएगा आपके पास x पावर n प्लस टू आर अपॉन 2 पावर n प्लस टू आर, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये जो फार्मूला होता है, लाइक अगर मैं माइनस एन को लिखूँ यहाँ पे, तो ये जो फार्मूला होता है ये किसका होता है, जे एन एक्स का होता है, तो मैं इसको जे एन एक्स लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये एक्स जेन डैश एक्स इज इक्वल टू ये आएगा आपके पास माइनस का एन, इस ये आपका जे एन एक्स बन जाएगा प्लस। अब आप क्या करिए देखो, ये एन प्लस आर है तो ये आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटिव है ना, माइनस वन पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं एन प्लस आर गामा एन प्लस आर है ना, और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे एन प्लस आर, देन ये आएगा एक्स बाई टू है ना, एक्स बाई टू मत लिखिए इसको, ये टू है ना यहाँ पे, ये टू है, इसको टू से डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा एन प्लस टू आर माइनस वन और ये आएगा एक्स पावर एन प्लस टू आर है ना। अब आपको प्रूफ में यहाँ पे एक्स चाहिए तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, x और x पावर माइनस वन इसको दोनों हम लिख सकते हैं, अल्टीमेटली x को हमने जोड़ा मतलब मल्टीप्लाई किया और x को डिवाइड किया तो ऐसा लिखते, क्योंकि हमें यहाँ पे x चाहिए बाहर, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे आएगा माइनस एन जेन एक्स, तो स्टूडेंट ये n प्लस आर से n प्लस आर कैंसिल और इस x को आप बाहर निकाल दीजिए, सो ये आएगा r इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन पावर r अपन आर फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर और ये x अंदर गया तो x पावर एन प्लस टू आर माइनस वन हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एन प्लस टू आर माइनस वन। पर स्टूडेंट यहाँ प्रूफ में हमें एन माइनस वन चाहिए तो इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, तो ये आएगा जे एन एक्स प्लस एक्स समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटिव माइनस वन पावर r आर फैक्टोरियल, मैं यहाँ पे क्या करूँगा n की जगह मुझे n माइनस वन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड भी करना पड़ेगा ताकि कैंसिल होकर वापस ये आ जाए, देन ये आएगा x बाई टू, ये तो ऑलरेडी सेट है n माइनस वन प्लस टू आर। नाउ देखो ये फार्मूला किसका बन रहा है यहाँ पे, माइनस एन जेन एक्स प्लस एक्स, ये बन रहा है जे एन माइनस वन एक्स का फार्मूला और स्टूडेंट ये हमारा इस तरह से इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रूव करते हैं, तो ये हमारा फार्मूला ऐसे क्या होता है
प्रूव होता है। तो इस तरह से हम इस रिकंसिलिएशन को यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूव करेंगे माइनस एन इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। सो लास्ट दो क्वेश्चन और है, देन उसके बाद इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, ओवर करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये दो रिकंसिलिएशन और है जो प्रूफ में करने के लिए एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो मेरा ये वीडियो था इसका स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट रिकंसिलिएशन ये प्रूव किया था, सेकंड रिकंसिलिएशन ये प्रूव किया था, इन दोनों के हेल्प से ये निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ 1 माइनस 2। अब आप बोलोगे सर एग्जाम में हमें कैसे पता पड़ेगा कि यह माइनस करना है या प्लस करना है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे जो प्रूफ है उसमें क्या चाहिए, जेन डैश एक्स चाहिए। सॉरी आप यहाँ पे इसको प्लस करेंगे, है ना, प्लस करेंगे तभी ये वाली टर्म आएगी, है ना, जेन डैश वाली। तो इन दोनों को एड करेंगे तो ये कितना आएगा, 2ax जेन डैश एक्स, और इसको हम ऐड करेंगे तो ये टर्म से ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसल। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, बराबर यहाँ से हमारे पास एक्स कॉमन आएगा तो ये आएगा जे एन माइनस वन एक्स माइनस जे एन प्लस वन एक्स। तो इस तरह से ये वाला रिकंसिलिएशन क्या होता है, प्रूव होता है। सो यहाँ पे ये एक्स एक्स कैंसिल कर दीजिए तो ये आएगा 2n जेन डैश एक्स इज इक्वल टू जे माइनस वन एक्स जे एन प्लस वन एक्स। ऐसे ही इसी रिकंसिलिएशन को यहाँ पे क्या करते हैं, हम प्रूव करते हैं। सो एक और लास्ट वाला रिकंसिलिएशन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये डैश वाला नहीं चाहिए, है ना, तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस 2 करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे। ये दोनों तो आपको याद रखना, इनका प्रूफ याद रखना, इनके दोनों के प्रूफ के बाद फिर इन दोनों ये वाला रिकंसिलिएशन का। लाइक अगर ये दोनों एग्जाम में आते हैं तो पहले इन दोनों को अलग अलग प्रूव करना, दोनों का प्रूफ लगभग सिमिलर है ना, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो इन दोनों को हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, माइनस करेंगे तो ये टर्म से ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल, और माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट इन दोनों को ये तो हमारे पास जीरो हो गया और ये दोनों प्लस होगा तो 2n जेन एक्स हो जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ पे माइनस कॉमन आएगा, एक्स भी कॉमन लेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा आपके पास जे एन प्लस वन एक्स प्लस जे एन माइनस वन एक्स। और स्टूडेंट ये वाले टर्म को आप इधर ले लीजिए तो ये आएगा 2n जेन एक्स, माइनस आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो ये आएगा जे एन प्लस वन एक्स प्लस जे एन माइनस वन एक्स। तो यही आपका क्या है, प्रूफ है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे जो दो वीडियोस हैं उन दोनों वीडियो में आपको रिकरेंस रिलेशन की प्रूफ बताए, इसके बाद हम यहाँ पे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी और उस पर बेस्ड एग्जाम में जो आने वाले न्यूमेरिकल्स है वो मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। सो स्टूडेंट मेरे जो पुराने सभी वीडियोज़ हैं वो आप देखते रहिए, और लास्ट जो स्क्रीन आ रही है इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। सो अगर आपका कोई भी काम का टॉपिक है तो आप ज़रूर देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बने रहिए मेरे साथ इतने अच्छे कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।